हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है राइट चैप्टर में वो है मिरर। मिरर में हम बात करते हैं, जनरली आपने मिरर देखा होगा घरों में, आप जो देखते हो मिरर होता है, उस मिरर में पीछे की तरफ पॉलिश हो तो वो एक प्लेन मिरर होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर कौन सा होता है, इसको हम लोग डिस्कस करने हैं। सच मिरर्स हूज रिफ्लेक्टिव सरफेस आर स्फेरिकल, इट इज नॉन एज स्फेरिकल मिरर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिव सरफेस स्फेरिकल होगा। रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा। तो सच मिरर्स हूज रिफ्लेक्टिव सरफेसेस आर स्फेरिकल, इट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। ऐसे मिरर जिनका स्फेरिकल सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, उनको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो जनरली टू टाइप्स के मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर की हम जब भी बात करते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब है रिफ्लेक्टिव सरफेस विच इज कर्व इनसाइड, जो अंदर की तरफ से कैसा हो, मुड़ा होगा, कर्व होगा, जैसे यहाँ से अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ, ये कर्व है, कर्व सरफेस, इनसाइड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। द रिफ्लेक्टिव सरफेस विच इज कर्व इनसाइड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो सरफेस कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है, कर्व होता है, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कैसा होगा, कर्व होगा, अंदर से बाहर की तरफ देखो कर्व होगा इनसाइड। इसमें दूसरी खास बात क्या होती है, इसमें दूसरी खास ऐसे जो है इसके थिन, इसके जो किनारे होते हैं ऐसे होते हैं वो पतले होते हैं, थिन होते हैं, और ये बीच वाला जो पार्ट है, मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट कैसा होता है, इसका मिडिल पार्ट होगा थिक, मोटा होता है, और किनारे जो होंगे कैसे होंगे, पतले होंगे। तो ऐसे से ये कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और बीच में कैसा होगा, ये मोटा हो जाएगा। थिन तो ऐसे इसका थिन है, और मिडिल में कैसा आएगा, थिक। तो ये आपका कौन सा कॉनकेव मिरर। इसी तरीके से दूसरा होता है कॉनवेक्स मिरर। द स्फेरिकल सरफेस हूज आउटर पार्ट, जिसका आउटर पार्ट इसमें यूज ले रहे हैं, द स्फेरिकल सरफेस हूज आउटर पार्ट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, इट इज कॉल्ड कॉनवेक्स मिरर। हमने क्या किया, एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस जिसका स्फेरिकल सरफेस जो है उसका आउटर पार्ट इसमें यूज कर रहे हैं हम रिफ्लेक्टिव सरफेस। स्फेरिकल सरफेसेस हूज आउटर पार्ट इज यूज्ड जिसका आउटर पार्ट एज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या काबिलियत है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या खासियत है, इसका जो थिक पार्ट है, ये वाला जो एजेस है, एजेस कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं, ये वाला पार्ट, लेकिन इसका बीच वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट, इसके कंपेयर में कैसा पतला है, थिक पार्ट। तो आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको अगर दे दिया जाए और आपको टच करके बताना हो कि ये स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो आप देखेंगे उसको आता है कि जो बीच में से कैसा होगा, बीच में से जो मोटा होगा, थिक होगा बीच में से, तो वो कॉनकेव होगा, और बीच में से जो पतला होगा वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो बीच में से मोटा, बीच में से थिक तो कॉनकेव, और बीच में से पतला तो कॉन्वेक्स, किनारों से पतला, एजेस से पतला है तो कॉनकेव, और किनारों से मोटा है तो कॉन्वेक्स। तो ये हमने पढ़ा बेसिक इसके बारे में, मिरर्स के बारे में। मिरर्स कौन कौन से मिरर आपके, स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर्स दोनों के बारे में हमने पढ़ा। ऐसा मिरर जो बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है, बीच में से थिक है और किनारों से थिन है, थिक और थिन, बीच में से थिक है, आपको ये कॉन्सेप्ट आया, बीच में से थिक है तो कॉनकेव, और बीच में से थिन है तो कॉनवेक्स। तो ये हमने स्फेरिकल मिरर की बेसिक डिटेल पढ़ी है। अब स्फेरिकल मिरर तो हमने पढ़ लिया, स्फेरिकल मिरर मिरर में और क्या क्या चीजें हो सकती है उसका अपन डिस्कस कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर में एक एज होंगे, इधर वाला एज होगा, ये बीच वाला पॉइंट, बीच वाले पॉइंट को हम कहते हैं पोल। तो पॉइंट ओ है वो हमारे लिए क्या, पोल है। तो इसको अपन क्या मानेंगे, स्फेरिकल मिरर का पोल जो बीच वाला पॉइंट है उसको कहेंगे अपन पोल। पोल के बाद जो एक्सिस जिसे अपने इस तरीके से लाइन खींच हुई है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक्सिस। ये अक्ष है, एक्सिस है, ये हो गई एक्सिस। एक्सिस के बाद ये यहाँ पे इसको अपन कहेंगे कर्वेचर। उसके बाद ये जहाँ पे सारा रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और जितनी भी सारी लाइन है आपस में रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्लेक्ट हो किसी एक पॉइंट,
पॉइंट पे मिल जाते हैं, रिफ्लेक्ट करो किसी एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो इसका बोलते हैं फोकस। तो ये हो गया आपका फोकस, ये हो गई मैन एक्सिस, ये कर्वेचर, ये वाला पूरा एरिया कर्वेचर हो जाएगा, और ये आपका हो गया पोल। तो स्फेरिकल मिरर में कौन सा मिरर है, जो बीच वाला पार्ट है वो हमारे लिए पोल है, जो बीच वाला पार्ट हो जाएगा पोल हो जाएगा, जहाँ से ये लाइट आ रही है हमारी एक्सिस हो जाएगा, जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड होकर मिलती है किसी एक पॉइंट पे, इसको हम कहते हैं फोकस। ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो ये इससे जरूरी टर्म कौन कौन सी है, कर्वेचर, पोल, फोकस और एक्सिस। तो जहाँ से लाइट रे आ रही वो एक्सिस, जहाँ पर सारी रे रिफ्लेक्टेड होकर मिल रही है वो फोकस, और ये पोल, ये मेन वाला पॉइंट निकला पोल पे। ठीक है, तो ये आपके बारे में क्या था, ये स्फेरिकल मिरर के बारे में, जो और इनके जो पार्ट होते हैं।